दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि क्या इस वीडियो के बाद का भी कोई वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आरसीएम में अधिकतम इनकम कितनी आ सकती है। तो मैंने बताया कि स्काई इज लिमिट, आरसीएम में जितनी इनकम आप चाहें उतनी इनकम आप ले सकते हैं। लेकिन जब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सामने वाला आदमी हमें कहता है कि सर इनकम कम आती है, तो हम कई बार उनसे कन्विंस हो जाते हैं। मैंने पिछली बार आपको पूरी एक स्टोरी मेरे साथ जो घटित हुई थी बताया था कि मेरे साथ एक व्यक्ति मिला और जब मैंने उसे वास्तव में इनकम की बात की थी और 16 लेगो उन्होंने खोली थी, तो 16 लेगो में जब मैंने उनसे बात की थी कि आप अपना ही बिजनेस आरसीएम के प्लान में रख दो तो गारंटी के साथ आपकी आरसीएम में ज़्यादा इनकम आएगी, तो उनको आश्चर्य हुआ था। अभी फिर कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप 16 लेग का प्लान हमें बताओ। दोस्तों इस तरह से आप ना करें, क्योंकि कोई भी कमीशन निकालने का तरीका, रॉयल्टी निकालने का तरीका, टेक्निकल निकालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। और जो मैंने एग्जांपल दिया, पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, उसके अंदर आप खुद कोड करके निकाल सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उससे आगे जाते हैं कि किस तरह से इनकम आती है और रॉयल्टी और टेक्निकल की गणना किस तरह से होती है, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर मैं बात करूं 16 लेग, इतना तो ये बोर्ड ही नहीं है, इसलिए मैं 16 लेग का प्लान आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे और बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 16 लेग तो बहुत आगे की बात है दोस्त। अगर हम केवल 6 लेगों की बात करें तो भी कोई भी टक्कर में आपके बीच में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि आपकी 6 लेग है, 6 लेग में ए लेग का बिजनेस आपका 8 लाख रुपए का है, बी लेग का बिजनेस आपका 7 लाख रुपए का है, सी लेग का बिजनेस 6 लाख रुपए का है, डी लेग का बिजनेस 5 लाख रुपए का है, ई लेग का बिजनेस भी 5 लाख रुपए का है और एफ लेग का बिजनेस 3,50,000 रुपए का है। इसके अंदर समझ लेते हैं कि कैसे रॉयल्टी और कैसे कैलकुलेशन होती है टेक्निकल की। हम दो तरह की कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले टेक्निकल बोनस की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद रॉयल्टी की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंस कमीशन यहाँ पर बन नहीं रहा, क्योंकि 3,50 से ऊपर के बिजनेस है और डिफरेंस कमीशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जब आरसीएम के प्लान का मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं, कैसे टेक्निकल मिलेगा, कैसे रॉयल्टी मिलेगी। दोस्तों दो बातें ध्यान रखिए, अगर आप रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो किसी भी एक लेग में मिनिमम 3,50,000 का बिजनेस होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, और रेस्ट ऑफ जितनी भी लेग हैं उनको मिलाकर 1,15,000 का बिजनेस होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस के रॉयल्टी एचर बनते हैं। अब टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल पर आप किसी भी एक लेग में मिनिमम 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिलाकर अगर 5 लाख का बिजनेस है तो आप यहाँ पर पर्ल पिन से शुरुआत करते हैं, यानी टेक्निकल एचीवर से शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों हम थोड़ी नज़र डालते हैं इस प्लान में कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको पूरा मजा आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ मैंने कहा किसी भी एक लेग में 5 लाख से ज़्यादा बिजनेस, तो आप यहाँ देखते हैं कि 8 लाख का बिजनेस है, यानी 5 लाख से ज़्यादा है, और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिलाकर भी 5 लाख से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप टेक्निकल क्वालिफाई कर गए। अब टेक्निकल कैसे निकलेगा, टेक्निकल निकलने के लिए आपको इनमें से सबसे बड़ी लेग को देखना पड़ेगा 8 लाख, यानी आप पर्ल पिन पर हैं, पर्ल पिन पर दोनों तरफ 5-5 चाहिए, यहां पर किसी भी एक लेग बड़ी लेग में 8 लाख का बिजनेस है तो यहां पर आप पर्ल पिन एच्योर बने। पर्ल पिन एच्योर बनने के बाद टेक्निकल बोनस कैसे निकलता है, सबसे पहले बड़ी लेग को ले लीजिए 8 लाख, रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिलाकर अगर 5 लाख से ज्यादा है तो यहां 8 लाख का 1% टेक्निकल आपको मिलता है, यानी ए लेग से टेक्निकल आपको मिलता है 8,000 रुपए। बी लेग की अगर बात करें तो बी लेग 7 लाख की, यानी 5 लाख से ऊपर है और सारी लेगों में मिला के 5 लाख का बिजनेस है, तो बी लेग से भी आपको 1% टेक्निकल मिलता है जो होता है 7,000 रुपीज। सी लेग का 6 लाख का बिजनेस है, यानी 5 लाख से ऊपर है और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिला के भी 5 लाख से ज्यादा का बिजनेस है, तो सी लेग का भी आपको टेक्निकल एचीवर मिलता है 1% और सी लेग से आपको मिलते हैं 6,000 रुपीज। डी लेग का भी 5 लाख से ज्यादा बिजनेस है और रेस्ट ऑफ सारी लेगों का बिजनेस भी 5 लाख से ज्यादा है, तो
डी लेक के बिजनेस की बात करें तो यहां पर डी लेक से भी आपको कमीशन मिलता है, टेक्निकल बोनस मिलता है 5,000 रुपए। अब बात आती है क्या ई लेक से टेक्निकल मिलेगा? दोस्तों ई लेक में 5 लाख का बिजनेस तो है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो बची हुई लेग है उसमें 5 लाख का बिजनेस नहीं है, इसलिए आपको इन 4 लेग से ही टेक्निकल अचीवमेंट मिलेगा, टेक्निकल का कमीशन और बोनस मिलेगा। अब गणना करते हैं, ये टेक्निकल हो गया तो रॉयल्टी कैसे निकलेगी? हम ये एग्जांपल ले रहे हैं जब आपके नीचे और कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं है, टेक्निकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबका बिजनेस 10 लाख से नीचे है, तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि रॉयल्टी अचीवर भी कोई नहीं है और हम केवल इस प्लान के मुताबिक आपकी गणना कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी पर पहुंचने के लिए 3,50,000 का किसी भी एक बड़ी लेग में बिजनेस होना चाहिए और रेस्ट ऑफ लेग में 1,15,000 से बिजनेस होना चाहिए। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी लेग में 8 लाख का बिजनेस है और दूसरी सारी लेगों में बिजनेस 1,15 से ज्यादा, यानी 3,50, अधिकतम 8% रॉयल्टी तक आप पहुंच गए, तो यहां पर 8 लाख का सीधा 8% यानी 64,000 रॉयल्टी मिलती है ए लेग से। बी लेग से कैसे मिलेगी? बी लेग का बिजनेस है 7 लाख, दूसरी सारी लेगों में मिला के 3,50,000 से ज्यादा है, तो ये भी 8% रॉयल्टी पहुंचा, तो 7 लाख का 8% यानी 56,000 रॉयल्टी मिलती है आपको बी लेग से। सी लेग से कितनी रॉयल्टी मिलेगी? देखिए सी लेग का बिजनेस 6 लाख रुपए है यानी 3.5 से ऊपर है और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में भी मिलाकर 3.5 लाख से ऊपर है, तो यहां पर सी लेग से भी आप 8% रॉयल्टी क्वालिफाई हुए हैं और इसलिए 48,000, अगर 6 लेग का 8% करें तो 48,000 आपकी रॉयल्टी आएगी सी लेग से। तो अब डी लेग से कितनी आएगी? डी लेग में 5 लाख का बिजनेस है यानी 3.5 लाख से ऊपर है, अगर 3.5 लाख से ऊपर यहाँ बिजनेस है और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिलाकर 3.5 लाख से ऊपर बिजनेस है, तो यहां पर 5 लाख का 8% यानी 40,000 आपकी रॉयल्टी आएगी, वो आएगी डी लेग से। अब ई लेग से कितनी रॉयल्टी आएगी? ई लेग से आपको रॉयल्टी आएगी क्योंकि इधर 5 लाख का बिजनेस है और यहां पर भी 3.5 लाख का बिजनेस है, यानी यहां पर भी ई लेग से भी आप 8% रॉयल्टी को क्वालिफाई करते हैं और 8% रॉयल्टी को क्वालिफाई करते हैं, तो यहां पर ई लेग की भी रॉयल्टी 40,000 रुपए आपको आती है। ये बाकी 3,50,000 जो बच गए ये आपकी जो अपलाइन है उसकी रॉयल्टी इनकम में, इसको डिफरेंस के आधार पर छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि जितनी इनकम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, यानी आपकी अपलाइन को लिए आपको सिर्फ एक लेग ही छोड़नी है, यानी डिफरेंस में बची हुई चीज को ही छोड़ना है, इसलिए आपके ऊपर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे लास्ट में ज्वाइन लेकर भी सबसे बड़े अचीवर बन सकते हैं। एमएलएम में हमेशा ये धारणा रही है कि जो लोग ऊपर जुड़ जाते हैं उनको ही फायदा होता है, तो मैं आपको गलतफहमी दूर कर दूं, मेरी डाउनलाइन में ऐसे लोग हैं जो मेरे से बड़ी पिन पर हैं और मेरे से बड़ी इनकम पर हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कर कितना तेज गति से कितना बड़ा काम करते हैं, उससे आपकी इनकम आती है। अब यहां पर आप निकालें कि आपका टोटल कमीशन कितना है, तो यहां पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर रॉयल्टी की अगर टोटल बात करें तो रॉयल्टी की इनकम आपकी हुई 8,7,6,5 यानी टोटल 26,000 रुपीज, यानी रॉयल्टी आई, सॉरी टेक्निकल बोनस आपका आया 26,000 और रॉयल्टी की इनकम की बात करें तो यहां पर रॉयल्टी की टोटल है 2,48,000। अब इन दोनों को अगर आप मिला दें तो आपकी यहां पर इनकम है 2,74,000। अब थोड़ा सा आप सोचिए टोटल बिजनेस कितना है, तो आपको आश्चर्य होगा कि 8,7,6,5,5,3.5 को जोड़ें तो यहां पर आपका टोटल बिजनेस है सिर्फ 34,50,000। टोटल बिजनेस है 34,50,000, पिन है ओनली पर, और फिर भी आपकी इनकम है 2,74,000। ये मैंने सिर्फ 6 लेग की कैलकुलेशन बताई है दोस्तों, अगर 16 लेग में ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कितनी इनकम होगी आप करेंगे तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। दोस्तों ये मिथ है, ये केवल एक सिंपल सा लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि
आरसीएम इनकम कम आती है। दोस्तों आरसीएम से बड़ी इनकम किसी में नहीं आ सकती। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ प्रोडक्ट में बीवी बहुत कम है, तो मेरे भाई उन प्रोडक्ट में बीवी कम है जिसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में होती है, जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केटिंग में है, उसको ऑटोमेटिक सेल होना है। अब आटा सबको, रोटी सबको खानी है, चाय की पत्ती सबको लेनी है, तो वहां पर बीवी कम होगा। अगर आप न्यूट्रिशन में जाएंगे तो बीवी ज्यादा होगा। दुनिया की सारी कंपनियों में न्यूट्रिशन और ऐसे ही प्रोडक्ट तो होते हैं कॉस्मेटिक जिसके अंदर बहुत सारा बीवी होता है, वो तो आरसीएम में भी है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का बात नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर इस कैलकुलेशन को आप थोड़ी थोड़ी समझें तो इनकम भी सबसे टॉप पर आती है आरसीएम में। ऐसे कई तरह के प्रश्न आते हैं, उनका समय समय पर मैं आपको जवाब देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह इस चैनल के वीडियो को देखते रहें। अपनी टीम को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है उसको आप दबाएं, ताकि लोगों को सबसे पहले वीडियो मिले और आपकी टीम घर बैठे छोटी छोटी टेक्निकल नॉलेज ले और अपने बिजनेस को तेज गति से बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।